फिर से दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि हमारे पास हमने स्प्लेंडर BS6 बाइक का इंजन पूरा फुल ओपन करके रखा है। और आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आपको स्प्लेंडर BS6 बाइक का इंजन फिट करना है, और इसी के साथ साथ इसमें यानी कि क्या क्या चीज़ों का बदलाव अगर आप देखेंगे तो एक तो चैम्बर का बदलाव है इसमें, प्लस कनेक्टिंग इसका जो बैरिंग है इन सभी चीज़ों का, और गियर शाफ्ट वगैरह ये सब बिल्कुल वही है सैम, और ऑयल पम्प का और मैग्नेट वगैरह का ये सब चीज़ों का यानी कि बदलाव किया गया है, मैग्नेट आर्मेचर कॉइल ये सब का। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में पूरा फुल इंजन हम फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमें इंजन यानी कि फ़िट करना है BS6 के अंदर, यानी कि किस तरीके से हमें पार्ट्स को सेटिंग करना है, और लास्ट में आपको ये भी देखना है कि हमने जो काम किया इसकी यानी कि साउंड यानी कि इंजन बनने के बाद किस तरीके से आती है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को बिना देर किए हुए फटाफट से हम काम करते हैं और आपको हम दिखाते हैं, तो लाइव प्रूफ के साथ आप ज़रूर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये सभी चीज़ यानी कि वॉश किया है और चलिए हम इसमें अभी फिट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इस सेवर में सबसे पहले गियर को सेट करना होता है। तो गियर ये जो पैनियन होता है हमारा, इसके दोनों साइड लॉक होता है, ये अगर आप खोलना चाहते हैं तो लॉक खोल के तभी ये खुलता है, और इसके ऊपर जितने भी पैनियन होता है उसमें लॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बुश डालना है और फिर इस पैनियन को डालना है। ये देखिए जो इस पैनियन में गड्ढा वाला हिस्सा होता है वो हमें अंदर की ओर रखना है, और इसके ऊपर एक वाशर डालना है इस तरीके से, ये वाली। फिर यहाँ पे हमें गियर सेलेक्टर को लगाना है, गियर सेलेक्टर भी हमें चेक करना है, अगर कहीं घिसा है तो वो हमें गियर सेलेक्टर को चेंज करना होगा। इसे यहाँ पे सेटिंग पे लाके आप इस अच्छी तरीके से फिट कर दें। फिर यहाँ से आप चेंजर को यानी कि घुमा के आप इसकी जो सेलेक्टर है इसे थोड़ा ऊपर की ओर कर ले, और फिर आप इस साफ्टा को लगाएं, क्लच साफ्टा को। थोड़ा लगाने में टफ होता है ये वाला, बहुत ही हल्का। फिर यहाँ पे हमें एक वाशर डालना है इसके ऊपर, यहाँ लॉक है अंदर, और एक वाशर फिर इस पैनियन को डालना है। फिर यहाँ पे एक वाशर और फिर इस एक पैनियन को डालना है, और इस पैनियन के ऊपर एक वाशर डालना है हमें, ये वाली। बस हमारे जो गियर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो किक शाफ्ट है उसे हमें सेटअप करना है इस तरीके से। अब बात आता है इसके क्रैंक सेट करने की, तो अब हमें क्रैंक को सेटिंग करना है, जिसमें हमने बेयरिंग कनेक्टिंग ये सभी चीज़ का काम कराया। तो इतना ज़्यादा क्रैंक दोस्तों हमें बैठाने में परेशानी हुआ, जिस तरीके से हमें एक्स प्रो का बैठाने या खोलने में परेशानी होता है, तो उस तरीके से यानी कि इस बाइक में हमें क्रैंक यानी कि सेटअप करने में दिक्कत हुआ। तो अगर आप कभी भी BS6 से स्प्लेंडर बाइक का क्रैंक सेट करते हैं तो गियर सेट करने से पहले हमें क्रैंक को सेट करना होगा। ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ इसकी जो क्रैंक है वो सेटिंग करने में। तो यहाँ पर हमें फिर दो बुश डालना है, एक यहाँ पे और एक वो साइड में, और ये हमारा सेंसर होता है जिसे आप जब भी यानी कि खोलते हैं तो इसे खोल के अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी धूल वगैरह या कीचड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर से इस तरह पलटा के जितने भी इसका स्टेक होता है उन सभी स्टेकों को टाइट करना है। ये जो गियर चेंजर है उसमें यह 10 नंबर का बोल्ट लगाना है इस तरफ से,
बोल्ट लगाने के बाद यहाँ पे एक रबड़ आता है, ये जो हमारा रबड़ यही काम करता है कि जो इंजन ऑयल वो यानी कि लीकेज होने नहीं देता है। अब यहाँ पे हमें किक की सेटिंग करना है, इसमें एक लोगो दिया हुआ होता है जो कि बिंदी का निशान, इसे यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। और जो शाफ्ट है इसमें भी एक लोगो होता है, तो शाफ्ट को आप इस तरीके से यानी कि जिधर हम नट टाइट करते हैं उस तरफ इसे घुमा के फिर इसे यानी कि हमें लगाना है। जिस तरफ हमारा नट टाइट होता है उसी तरफ यानी कि शाफ्ट को हमें घुमा के जहाँ तक शाफ्ट रुक जाता है वहीं तक आपको छोड़ के फिर इसे हमें सेटिंग करना है। तो ये हमारा लॉक हो चुका है, कोई भी नॉक प्लास या पैचकस के ज़रिए से आप इसकी स्प्रिंग को इधर चाड़ के लॉक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक लॉक आएगा, वाशर नहीं होता यहाँ पे। ये जो किक ये गियर शाफ्ट पहले हमें लगाना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक काम करता है गियर हमारे लगने में। और इस प्लेट में यानी कि उल्टा सीधा भी होता है जिसे हमें देख के लगाना है, अगर आपने उल्टा लगा दिया इधर का उधर तो ये जो बोल्ट होता है इसके ऊपर वो यानी कि सेट नहीं होगा, वो लगेगा ही नहीं अंदर यानी कि पास ही नहीं होगा। ये हमारा गियर डॉग है जिसकी इसकी प्ले देख लेनी चाहिए, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको इतना फिट करने के बाद हमें गियर को भी चेक कर लेना चाहिए कि हमारे जो गियर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखिए आप, ये 3 और ये 4 नंबर लग चुका है, तो फिर से हमें यानी कि न्यूट्रल कर देना है इसे। तो इस तरीके से हम गियर को चेक कर सकते हैं कि हमारी बाइक की जो गियर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने पैनियन सही बैठाया या नहीं बैठाया। अब यहाँ पर ऑयल पम्प लगाना है और यहाँ पर 2 बूस्ट डालना है और इसकी ये भी देख लेना चाहिए, हमें फ्री होना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है इसके अंदर कचरा जाने के बाद ये जाम चलने लगता है, तो इसे आप खोल के अच्छी तरीके से वॉश कर दें। यहाँ पे एक वाशर आएगा इस तरीके से और इसके ऊपर बूश और फिर क्लच कटोरा, क्लच हाउजिंग। यहाँ पे एक पतला वाला वाशर, फिर 2 कटा हुआ चांद वाला वाशर लगेगा और इसके ऊपर से कटोरी वाला वाशर डालना है, ये वाली। फिर हमें क्लच को सेटिंग करना है। तो ये हमारा क्लच सेटिंग हो चुका है, अब इसके बाद यहाँ पे जो नट बोल्ट आता है उसे टाइट करने के बाद हम स्प्रिंग को फिट करेंगे। इस वाशर को लगा के, इस वाशर में एक बिंदी का निशान होता है जिसे हमें ऊपर की ओर रखना होता है। इसे आप जब भी टाइट करें चारों बोल्ट को बराबर टाइट करना है और इस प्लेट को ऊपर की ओर उठा के टाइट करना है। ये हमारा क्लच कटोरी जिसे हम बोल सकते हैं, ये क्लच के नीचे होता है और इसमें ऑयल भरा हुआ होता है और इसी के ज़रिए से हमारी जो ऑयल होता है वो यानी कि क्लच प्लेट में भिगा हुआ रहता है।
क्लच प्लेट में यानी कि जाते रहता है, भींगा हुआ होता है, क्लच प्लेट को सूखने नहीं देता है। ये बैलेंसर और यहाँ पे एक वाशर और एक नट। ये बैलेंसर यानी कि चेंजिंग है, पहले बड़ा था, अब यानी कि छोटा कर दिया गया है। और ये जो प्लेट देख रहे हैं आप इसके ऊपर, ये इनकी वही है, जस्ट पहले वाला ही। यहाँ पे एक ओरिंग और रिंग जो हमने फिट किया, एक यहाँ पे रखा IN में टॉप वन का और टॉप टू का यहाँ पे नीचे, ये देखें, और पतला वाला एक यहाँ पे रखा गैपिंग और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने रिंग को फिट किया। अब यहाँ पे थोड़ा ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद फिर इसे मिला के तभी हमें फिटिंग करना है। थोड़ा कनेक्टिंग में भी हमें ऑयल डालना चाहिए। एक तरफ का हमें पहले ही लॉक लगाना है गजन पिन का, और फिर दूसरे तरफ का इसमें लगाने के बाद हमें लॉक को सेट करना है। तो अब हमें यहाँ पे लॉक को सेटिंग कर देना है। लॉक लगाते टाइम हमें नीचे कोई भी कपड़ा वगैरह लगा लेना चाहिए, ऐसे हमें अगर गिर गया तो फिर इंजन में चला जाता है, दिक्कत होता है हमें, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। दो उंगली के सहारे से आपको पिस्टन को पकड़ना है और ऊपर से आपको सिलेंडर बिल्कुल उस पर सेटिंग पे लाके आपको हल्का हल्का लेफ्ट राइट करना है, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। अगर हमारा बोर टाइट है, रिंग टाइट है, तभी ये पिस्टन सिलेंडर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें सेटिंग करने में हार्ड लगता है। और हमारा अगर रिंग बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। या कभी कभी आपने ये देखा होगा जब हम न्यू ब्लॉक की डालते हैं, बहुत ही आराम से ये पिस्टन हमारा फिट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी पिस्टन है उसे हमें टॉप पे लाना है, यानी कि ऊपर, और ऊपर यहाँ पे एक एलंकी वाला बोल्ट आपको लगा लेना है 5 नंबर का। इस पैकिंग में आपको हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे इसे इस तरीके से मिलाना है अच्छी तरीके से, ताकि ये लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे दोस्तों ये गड्ढा नहीं है, ये प्रो वाला है, तो इसमें हम प्रो वाला ही पैकिंग लगाएंगे। इसमें अगर आप प्लस वाला पैकिंग डाल देते हैं, वाइट वाला, तो इसमें दिक्कत होगा। तो यहाँ पे अगर सिलेंडर में कुछ भी गड्ढा नहीं होता है अगर, तो हम समझे कि ये प्रो वाला सिलेंडर है, तो इसमें हमें प्रो वाला ही पैकिंग डालना है। यहाँ पे दो बुश को डाल देना है, यह हेड को बिल्कुल सेटिंग पे रखता है। हेड में गाइज हमने हल्का काम किया, ऑयल सील डाला और गाइड वगैरह यानी कि चेक कराया, गाइड वगैरह में कुछ भी दिक्कत नहीं था। इन दोनों वाल को पिस्टन में जो इन का निशान होता है उसे हमें ऊपर कर रखना होगा, जिधर हमारा कार्बेटर यानी कि थ्रोटल बॉडी होता है, और जो छोटा वाल है वो भी नीचे। कैब में इस तरीके से आपको प्ले चेक कर लेनी है, यह प्ले होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से ये फ्री घूमना चाहिए, तभी हमें पता लगता है कि हमारी जो रोकर है, कैम है, वो सही सेटिंग हुआ है। फिर यहाँ पे एक एलंकी वाला बोल्ट डालना हमें। तो यहाँ पे इस पैकिंग डालना है,
इस पैकिंग में एक नॉक टाइप का जो है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है राइट साइड में। और यहाँ जो स्प्रिंग ये प्लेट लगाते हैं इसमें एक लोगो जो तीर का निशान है इसे हमें नीचे रखना है कार्बोरेटर की ओर, ये सलेंसर की ओर। और एक ये साइड में सिर्फ हमारा राइट साइड में नीचे पीतल वाला वाशर होता है और इन तीनों में यानी कि अलग वाशर होता है लोहे की। फिर यहाँ पे चारों नट को टाइट करना है और फिर हमें टाइमिंग चेन को सेटअप करना है। तो यहाँ पे टाइमिंग चेन हमने पूरा किट लिया, इसकी जो MRP होता है बिल्कुल सेम वही होता है, 10-20 रुपए का अंतर होता है। तो यहाँ पे इसमें सारा चीज़ आता है जो कि स्पॉकेट हो गया, ऑयल पम्प स्पॉकेट जिसे हम पहले बोलते थे, और एक ये बीच सिलेंडर वाला रूलर, तो यहाँ पे पहले हमारा ऑयल पम्प स्पॉकेट आता था, अब यहाँ पे उस तरीके से नहीं है। ये चाहे आप यानी कि ये साइड से भी चेंज कर सकते हैं, पहले इसे चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ता था हमें, पर अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें बिल्कुल मस्त स्प्लेंडर बाइक में अगर आप टाइमिंग चेन यानी कि सेटअप करते हैं तो इसमें आपको पूरा किट डालने में ज़्यादातर बेहतर होता है और पूरा किट ही इसमें लगेगा। यहाँ पे सिलेंडर वाला रूलर को हमें पहले पास कर लेना है टाइमिंग चेन लगाने के बाद, इसे साइज पे ला के, ये देखें बिल्कुल सेटिंग पे ला के हमें इसकी जो बोल्ट है उसे हमें लगाना है। तो हल्का यानी कि नीचे है तो इसे थोड़ा हम टाइमिंग चेन खींचेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब इस नट को हमें फुल टाइट कर देना चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं तो हम बाद में भूल जाते हैं और फिर हम बाइक को स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये खुल जाता है, इस तरीके से भी ये होता है। अब यहाँ पे हमें टाइमिंग को सेटअप करना है। तो टाइमिंग को सेट करने से पहले हमारी जो क्रैंक है पिस्टन है, पिस्टन यानी कि टॉप पे होना चाहिए और क्रैंक की जो चाबी होता है वो आगे होना चाहिए। ये देखें आप ये वाला बिल्कुल आगे, और अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा टाइमिंग आउट है तो इसे हमें सेटअप करना होगा। तो ऊपर से आपको इस तरीके से नीचे करना है, ये खुद ब खुद ऊपर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा पुश रड है बांसुरी इसे हमें खोलना है। मैग्नेट की चाबी देखें आप, यहाँ पे आपको बिल्कुल सेंटर पे लगाना है, इसकी जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट मिलती है। ये देखें यहाँ पे ये बिंदी और चैम्बर में एक बिंदी होता है वो दोनों आमने सामने, और यहाँ पे जो क्रैंक की चाबी है ये बिल्कुल आगे, जो पुसरड इसका जो रबड़ होता है ऊपर का उसे हमें खोल लेना है। और ये देखें कटा हुआ है जो कि हम इसमें दूसरा चेंज करने वाले हैं। इसे थोड़ा यहाँ से दबाना है, दबाने के बाद तभी जो हमारी ऊपर की पत्ती है छोटा रूलर है वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 17 नंबर का बोर्ड लगेगा। पूरा फुल टाइट हो चुका है ये। अगर ये फुल टाइट नहीं होता है तो आपको इसकी पुश रड चेक करना है, इसमें ऑयल डाल के या तो फूंक मार के। ये देखिए ये पूरा फुल टाइट होना चाहिए, जिस तरीके से टेंशनर होता है उसी तरीके से ये पुश रड काम करता है। अब टाइमिंग चेन पूरा फुल टाइट हो चुका है। अब ये साइड से हमें इस यहाँ का यानी कि चैम्बर लगाना है, क्लच चैम्बर। Thank you.
इस चैम्बर को आपको हल्का हल्का यानी कि लेफ्ट राइट करके इसे सेटिंग करना है। ये देखें, ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर सभी बोल्ट हम टाइट करेंगे। तो इतना करने के बाद हमने फाइनली इंजन को चेचिस पे सेटिंग कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेट हमारा उसका नट हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे और फिर हम टैपिट को सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जो मैग्नेट से आपको टाइम मिलाना है, इसमें एक लोगो होता है और एक यहाँ पे लोगो होता है, दोनों सेटिंग पे रखना है इस तरीके से, और एक टी का निशान ऊपर होता है, इतना यानी कि रख के तभी हमें जो हमारी जो टैपिट है उसे हमें एडजस्ट करना है। अभी जो टैपिट हमें सेट करना है वो यानी कि 0.8 mm इस तरीके से हमें सेटिंग करना है, और जब ये बाइक 500 किलोमीटर चल जाएगी तभी उसके बाद यानी कि हमें इसकी प्लेग कम रखना होगा, तभी जो टैपिट की साउंड है वो नहीं आएगी। तो चलिए हम पूरा चीज़ लगा के फिट करके हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। तो फुल इंजन फिट कर दिया और इसकी इंजन की आप साउंड देखें किस तरीके से साउंड जो है, इसकी साउंड जो है, अभी हमने टैपिट को यानी कि लूज ही हमें रखना होता है। जब ये 500 किलोमीटर चल जाएगा फिर जो इसकी टैपिट की एडजस्टिंग है वो हमें पूरा परफेक्ट करना है। अभी हम टैपिट की जो सेटिंग है वो थोड़ा लूज़ ज़्यादा रखते हैं, और लूज ज़्यादा रखने का यही रीज़न होता है कि टैपिट की जो जगह होता है, सीट होता है, वो धीरे धीरे यानी कि बनता है। अगर अभी हम इसे एडजस्ट अच्छी तरीके से कर देते हैं यानी कि पूरा परफेक्ट जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से करने के बाद अगर बाद में टैपिट टाइट हो गया फिर ये दिक्कत करेगी। तो इसीलिए हमें टैपिट को लूज रखना पड़ता है, और लूज रखने के बाद जब ये 500 किलोमीटर चल जाएगी तब यानी कि इसकी जो टैपिट की एडजस्टिंग है उसे हमें सही तरीके से करना है और सही सेटिंग करना है, और इसकी जो इंजन ऑयल है फिर उसे भी हमें चेंज करना है। तो इसमें फाइनली जब भी आप इंजन यानी कि बनाते हैं फुल इंजन, तो उसमें हमें 900 ml का अगर इंजन है तो उसमें हमें 1 लीटर इंजन ऑयल डालना पड़ता है। अगर 1000 ml का इंजन है तो उसमें आपको 1100 ml डालना पड़ेगा। इस तरीके से इंजन की साउंड देखेगा इस, और हमें ज़रूर कमेंट करें किस तरीके से आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा, या इंजन की जो साउंड है काफ़ी बेहतरीन साउंड है। तो इसी तरीके से वीडियो हमारा बराबर आते रहता है, तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक जल्दी पहुंचे, और उसके ज़रिए से हमारे जितने भी सीखने वाले भाई हैं उसके लिए काम आसान हो सके। हमारा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद यही होता है। तो ये साइड से भी देखें आप साउंड बिल्कुल एकदम एक नंबर। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।